तो दोस्तों आज है सैटरडे, हमारे Q&A सीरीज का 14वां एपिसोड लाइव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं और मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन शामिल हो Q&A के अगले एपिसोड में, तो इस वीडियो के कमेंट सेशन में जरूर से लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, चाहे मेरे ऊपर, चाहे यूट्यूब के ऊपर, चाहे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज के ऊपर, और मैं सबके जवाब दूंगा आपको। तो आइए बिना कोई और देरी की आपके क्वेश्चन की छड़ी को पेश किया जाए। तो जो पहला सवाल है वो पूछा है अक्षय दापके ने, DDR4 3GB रैम बेस्ट है या DDR3 4GB रैम बेस्ट है। पहला क्वेश्चन ये था इनका। तो मैं आपको बता दूं, DDR4 3GB रैम ज्यादा अच्छा होगा DDR3 के 4GB रैम से, क्योंकि उसके जो कंडक्टर्स हैं, उसके जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है DDR3 के मुकाबले। 1GB में उतना फर्क नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड वाकई में लेस है। तो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा है कि 6th Gen i3 बेस्ट है या 5th Gen i5 प्रोसेसर बेस्ट है, प्लीज बताओ। तो i5 का 5th Gen बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, i5 i3 से करीब 2 साल बाद बना प्रोसेसर है और उसमें काफी अच्छे टेक्नोलॉजी से उसको बनाया गया है। उसके अंदर आपको जो हीटिंग की इशू है और प्लस आपको जो क्या कहते हैं करंट की इनपुट है वो सब काफी कम लगता है और उसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। इससे मतलब नहीं पड़ता कि वो 6th Generation है या 5th Generation है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अकाउस्टिक आकाश ने पूछा है, भाई थंबनेल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो मैं पीसी की बात करूं तो मैं यूज करता हूं GIMP 2, GIMP 2, GIMP 2, और एडोबी फोटोशॉप भी कभी कभी यूज कर लेता हूं। और अगर एंड्रॉइड की बात करें तो मैं इस्तेमाल करता हूं यूट्यूब थंबनेल मेकर, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मोहम्मद तमनेश शेख ने पूछा है, भाई एमआई का न्यू राउटर लॉन्च हुआ है, वो टीपी लिंक राउटर जैसा है या उससे अलग है। तो एमआई का जो राउटर है वो टीपी लिंक जैसा ही है, उसके जो सारे फंक्शंस हैं वो टीपी लिंक जैसे ही हैं, पर एमआई की जो परफॉर्मेंस होती है, जो क्वालिटी होती है, वो टीपी लिंक से तो कोई तुलना ही नहीं है। वो जब सैमसंग और आईफोन को टक्कर दे रहे हैं तो टीपी लिंक से तो उसकी कोई तुलना नहीं है। जरूर से आप एमआई का राउटर लीजिए, चाहे आपका 200-400-500 रुपए ज्यादा लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सुमित सिंह ने पूछा है, फोन को यूज करते करते फोन के वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, कई सारे ऐसे यूट्यूबर के ट्यूटोरियल की स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है फोन की। उसके लिए आप सिंपली अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाइए, वहां सर्च कर दीजिए AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, उसको डाउनलोड कीजिए और फिर आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होने लगेगा। आप मोबाइल में चाहे जो करिए, आप ट्यूटोरियल बनाइए, स्टेप स्टेप बनाइए, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बैड बॉयज कंपनी ने पूछा है, भाई यूट्यूब का बैलेंस कहाँ देखते हैं, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो बहुत छोटी सी चीज है, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाइए, वहां पर आप एनालिटिक्स में जाइए, एनालिटिक्स में रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए और फिर वहां पर आप सेट कर लीजिए कब से कब तक का रेवेन्यू आपको देखना है, पूरा जीवन भर का, लाइफ टाइम का रेवेन्यू, किस साल का, इस महीने का, पिछले 7 दिन का, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक्निकल गुरुजी न्यूज ने पूछा है, भाई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो 0 के व्यूज ही रहते हैं, क्या यूट्यूब को मुझसे दुश्मनी है। तो यूट्यूब को कभी किसी से दुश्मनी नहीं है, यूट्यूब भी चाहता है कि आप वहां पर वीडियोस डालें, लोग देखें, क्योंकि इससे यूट्यूब को भी प्रॉफिट होता है, जैसे आपको प्रॉफिट होता है तो यूट्यूब को भी प्रॉफिट होता है। पर दिक्कत ये आती है कि लोग आपको पहचाने कैसे कि आपके वीडियोस आके देखें। शुरू में आप क्या करिए, अपने दोस्तों, अपने फैमिली, जहां पर आप स्प्रेड कर सकते हैं वहां तक बताइए। अगर आपके 0 सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके कुछ सब्सक्राइबर्स हो, जब कुछ सब्सक्राइबर्स हो तो हो सकता है 2-4 व्यू आए, और फिर आप ऐसी वीडियोस डालिए जो कि ट्यूटोरियल बेस्ड हो, जो लोग सर्च करते हैं। मान लीजिए कभी किसी का पीसी खराब हो गया तो आप पीसी खराब होने के ऊपर वीडियो डालिए, या फिर आप कभी कभी ट्रेंडिंग टॉपिक पर कर लीजिए। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ते हैं तो जरूर चांसेस है कि आपकी वीडियो जैसे नॉर्मली चलती है उससे थोड़ा ज्यादा चलेगी और वहां से आपको कुछ सब्सक्राइबर्स गेन होंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, आप वीडियोस पोस्ट करते रहिए, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको व्यूज अच्छे खासे मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रदीप कुमार बिस्वाल ने पूछा है, ₹10,000 में कौन सा कंप्यूटर ठीक रहेगा। तो ₹10,000 में तो सेकंड हैंड कंप्यूटर ज्यादा ठीक रहेगा आपको, क्योंकि ₹10,000 में कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जो थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। कंप्यूटर तो मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि कंप्यूटर में आपको CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब अलग अलग लेना पड़ता है। लैपटॉप मिल सकता है आपको 10,000 में, मुझे नहीं लगता कोई लैपटॉप तो मुश्किल है भाई। आप क्या कीजिए, आप कोई सेकंड हैंड लैपटॉप या कंप्यूटर लीजिए 10,000 अगर आपका बजट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उपराज सिंह ने पूछा है, भाई मुझे बेस्ट लैपटॉप बताओ under 30K, HP या Dell, which one is better? तो चाहे HP का लीजिए, चाहे Dell का लीजिए, Lenovo ने तो ज्यादा बढ़िया है। आप स्पेक्स पे ध्यान दीजिए, 30K के अंदर आप देखिए कि आपको i3 का प्रोसेसर मिल रहा हो, और अगर कोशिश कीजिए 2GB आपको ग्राफिक कार्ड मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है।
2GB वीडियो कार्ड के लिए जाइए आप, और रैम कम से कम नहीं तो 4GB होनी ही चाहिए, 4GB रैम और 8GB हुई तो आप बस वही लैपटॉप ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वरुण द्विवेदी ने पूछते हैं, भाई क्या मोबाइल ऐप को अपने मेमोरी कार्ड में कॉपी हो सकता है, कृपया इसको बताइए। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन है मेमोरी कार्ड में डाले हैं तो आप क्या कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, वहां पर एप्लीकेशन में जाइए और फिर एप्लीकेशन में डाउनलोडेड में जाइए, जो जो मेमोरी कार्ड जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड किए हैं उसको ओपन कीजिए और फिर वहां पर ऑप्शन रहता है मूव टू SD कार्ड, उस पर क्लिक कर दीजिए और आपका जो एप्लीकेशन है वो SD कार्ड में चला जाएगा और आपकी फोन की जो मेमोरी है वो खाली हो जाएगी। तो काफी आसान स्टेप है, आप करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शानी टीवी पूछते हैं, YouTube पर गेम चैनल बनाने के लिए टिप्स दो। तो जो पहला टिप वो ये है कि आपका जो कंप्यूटर है उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होनी चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पहली बात आप गेम खेलेंगे, दूसरी बात आप सॉफ्टवेयर से गेम को रिकॉर्ड भी करेंगे गेम प्ले को, तो काफी ज्यादा आपके पीसी के ऊपर वो आएगा, क्या कहते हैं, प्रेशर आएगा, काफी ज्यादा उसके ऊपर दबाव आएगा। तो आपका जो कंप्यूटर का स्पेक है उसमें वीडियो कार्ड कम से कम 2GB तो होनी ही चाहिए। दूसरी टिप ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, यूट्यूब पे अगर आपको आना है तो इंटरनेट कनेक्शन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, और जियो के नेट से तो कुछ नहीं होना है, एक बात ध्यान रख लीजिए। तीसरी टिप की बात करें तो आपको बिल्कुल तेजी तेजी बोलना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप बीच बीच में रुकिए ना, गेम खेलते रहिए, लोग जो हो वो गेम देखने नहीं आते, आप जो बोलते हैं वो सुनने आते हैं। आप ज्यादातर गेम चैनल देखें, चाहे कैरी मिनाटी, चाहे रन, चाहे जो चैनल देखिए, वहां पर गेम प्ले तो होता रहता है पर लोग बोलते रहते हैं, और ज्यादातर व्यूवर्स वही लोग की बातों सुनते रहते हैं, वो तो बस एक मन बहलाने का एक तरीका है वो गेम प्ले। अगर आपके पास कुछ और नहीं है डालने के लिए तो लोग गेम प्ले ही डाल देते हैं, पर बोलने में आपको एक्सपर्टाइज चाहिए, आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए, फास्ट थोड़ा प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा बोलने की जो स्टाइल है उसको इंप्रूव कीजिए। तो यही सारी टिप्स थी अगर आप गेम चैनल ओपन करना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक्निक गुरु जी ने पूछा है, भाई अभी ट्यूब बडी काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ट्यूब बडी जो है ये काफी बड़ा एक्सटेंशन है, आपके क्रोम के ऊपर काफी ज्यादा दबाव डाल देता है। आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, जब कभी कभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहता है तो ट्यूब बडी मेरा भी नहीं काम करता। अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो ट्यूब बडी अच्छे से काम करेगा, नेट कनेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए फिर ट्यूब बडी चलाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक बीके ने पूछा है, हाउ यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क। अगर मुझे पता होता ना यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम करता है तो मेरे चैनल पे आई थिंक 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते, पर मैं आपको थोड़ा कुछ समझा देता हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम कोई YouTube बता नहीं देता कि मेरा एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, आपको खुद ब खुद थोड़ा समझना पड़ता है। तो वीडियो रैंकिंग जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, जिस हिसाब से आपकी वीडियो रैंकिंग होगी उसी हिसाब से आपको व्यू मिलेंगे, और वीडियो रैंकिंग इस हिसाब से होती है, ये बात जान लीजिए, आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो टैग्स के हिसाब से आपकी वीडियो रैंकिंग होती है, और वीडियो के शुरू में आप 10-12 सेकंड तक क्या बोल रहे हैं इस हिसाब से भी वीडियो रैंकिंग होती है। जितनी अच्छी आपकी वीडियो रैंकिंग रहेगी उतनी ज्यादा व्यूज मिलेंगे, और इसी हिसाब से एल्गोरिथम काम करता है यूट्यूब का, जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे आपको उतना यूट्यूब पुशअप देगा। तो यही सारी चीजें हैं यूट्यूब के एल्गोरिथम के बारे में, छोटी सी बात मैंने बताई है। मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब एल्गोरिथम के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी अच्छी सी डिटेल्ड वीडियो ले आऊं, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मदन कचाप ने पूछा है, हिंदी यूट्यूबर में कौन कौन सबसे आगे है, ऐसे 5 यूट्यूबर बताइए। तो आपने पूछा है हिंदी यूट्यूबर में कौन सबसे आगे है, आपने कोई कैटेगरी नहीं बताई है, मैं एक बार कैटेगरी भी बोलूंगा और उसके बारे में बता दूंगा कि कौन सबसे आगे है हिंदी में। तो बात करें कॉमेडी की, हिंदी में कॉमेडी में तो सबसे आगे है भुवन बम, जिनका चैनल है बीबी की वाइंस, और बात करें टेक्नोलॉजी में तो सबसे आगे है टेक्निकल गुरु जी, जिनका नाम है गौरव चौधरी, और बात करें कुकिंग की तो कुकिंग में सबसे आगे है निशा मधुलिका। जी हाँ दोस्तों, निशा मधुलिका उनके चैनल का नाम भी है। और बात करें आपकी मोटिवेशनल की तो सबसे आगे है संदीप महेश्वरी। बात करें आपकी ब्लॉगिंग की तो सबसे आगे है मुंबईकर निखिल। बात करें आपकी म्यूजिक में तो म्यूजिक में सबसे आगे है सनम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का ही चैनल है सनम, वो बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक लिखते हैं। तो यही सारी कैटेगरी थी, अगर आपको कोई कैटेगरी में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप अपना सवाल लिखिए कमेंट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गुड्डू ने पूछा है, हु इज बेस्ट, विच इज बेस्ट, MI Note 4, MI Redmi 4। तो जाहिर सी बात है Redmi Note 4 ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो 10-12 हजार का फोन और Redmi 4 जो है वो 7 हजार का फोन, तो जाहिर सी बात है कि Redmi Note 4 अच्छा है। उसके अंदर जो प्रोसेसर सेट लगा है, जो चिपसेट लगा है, या फिर उसका रैम बात कर लीजिए, उसकी बैटरी बात कर लीजिए, स्क्रीन साइज, डिस्प्ले, सब चीजें Redmi 4 से तो अच्छा ही है। और बात करें वैल्यू फॉर मनी की, तो 7000 के अंदर आपको Redmi 4 जो मिलता है मेरे हिसाब से 7000 के अंदर तो वो बेस्ट फोन है, और बात करें 10-12 हजार के अंदर तो Redmi Note 4 बेस्ट।
बेस्ट फोन है, दोनों अपने कैटेगरी में बहुत बहुत अच्छे फोन है। तो दोस्तों इस बार मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए थे, उम्मीद है आपको आपकी क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं आपका क्वेश्चन शामिल हो अगले क्यूएंड की एपिसोड में तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, मैं आपको ज्यादा पकाने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें फॉलो कीजिए, आप वहां पर मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।